चले अपने काम से वॉलमार्ट। अच्छा नैरा बोली मम्मा वॉलमार्ट बोलो, वॉलमार्ट जा रहे हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। अभी हम तैयार भी नहीं हुए थे, बस मतलब ब्रेकफास्ट करके बिना नहाए धोए निकल चले अपने वॉलमार्ट के काम से, क्योंकि फिर बहुत डिले हो जाता है, नैरा सोती है, उसको लंच कराना, और यहाँ पर शॉप वगैरह बहुत जल्दी बंद भी हो जाती है। तो हमने सोचा मॉर्निंग में निकल लेते हैं ब्रेकफास्ट करते ही। तो नायरा की हालत भी देख सकते हो और मेरी भी देख सकते हो कि हम लोग तैयार नहीं है, बस कपड़े पहन लिए थे और निकल चले। तो अभी हमें जाना है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से हमने मैट लिया था, वो चेंज कराना है क्योंकि वो बहुत छोटा लग रहा है हमें हमारे सोफे के आगे। तो हमें वो चेंज करके मतलब रिटर्न ही करना है, और देखते हैं अगर दूसरा मिलता है तो। और चेयर वगैरह भी हमने वहाँ पर देखी थी, तो वो भी देखते हैं कि चेयर अगर हमें अच्छी लगी तो ले लेते हैं। ऑनलाइन भी चेक करी है हमने, और लगेगा तो ले लेंगे। और क्या लेना है और देखते हैं। हमने वैसे ऑनलाइन भी सामान मंगाया था, अगर लगा तो, हमारा 3 बजे का टाइम है, लगा हमारा पैक हो गया होगा तो हम उसको पिकअप कर लेंगे, अगर पैक हो गया होगा तो, नहीं तो वो घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। तो चलते हैं और अपना सा थोड़ा काम निपटाते हैं और उसके बाद घर पर वापस आते हैं, और तब फिर से नहाना धोकर अपना काम में लगता है, घर के काम में। तो मिलती हूँ मैं आपसे वॉलमार्ट पहुँच गया। हमने कर दिया है मैट जो लिया था, अभी मैट वाले सेक्शन में जाते हैं और अपने मैट दूसरा देखते हैं, अगर सही लगा तो, नहीं तो और मेरे को कहीं और सर्च करना पड़ेगा। टेबल तो आई नहीं है पर मैं मैट जरूर सर्च कर रही हूँ। सो अभी नैरा को बस ऐसे घुमा भी रही हूँ, थोड़ा सा वो इन्जॉय कर ले, उसके बाद अपना काम भी करती हूँ, क्योंकि हमें कुछ करने नहीं देती है जब तक इसको घुमाऊँ ना, तो इसलिए इसके पीछे पीछे मुझे घूमना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा घूम कर फिर आपको दिखाते हैं यहाँ की मैट की कलेक्शन। मैट ये बिग वाले मैट है, ये अभी मैं कुशन में आ गई थी, जो मेरे फेवरेट है, जो मैंने अपने होम फर्निशिंग में काम किया था। तो मुझे यहाँ पर ये कलेक्शन दिखी है, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं भी काम करती थी ना, तो मुझे सबका पता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो बहुत अच्छा लगता है कई बार ये चीज़ें देख के, और ये भी देख के लगता है कि ओह माय गॉड इतने हाई प्राइस इनके हैं कि हम मतलब बनाते हैं तो इसलिए पता होता है कि प्राइस क्या होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्वेड वाला है, पट्टियों से बना हुआ, ये हैंड मेड वाला फर, चेन स्टिच, ये पाइल एम्ब्रॉयडरी, और ये बिग वाले मैट्स हैं। हमें इतना बिग नहीं चाहिए, थोड़ा नॉर्मल चाहिए। तो मैं ये वाले प्राइस अभी इनके चेक करती हूँ, सबके क्या क्या प्राइस है। मुझे एक मैट की नीड तो है टेबल के नीचे लगाने के लिए, और ये बाहर गेट के लिए मैट्स है। सो मैं ज़रा चेक करती हूँ, जो अच्छा लगता है फिर वो लेती हूँ। और अभी वहाँ उस साइड भी बहुत सारे मैट्स है, वहाँ पर हमने देखे थे बहुत सारे, मैं वहाँ चलती हूँ। यहाँ से हमने लिया था बट वो बहुत छोटा लगा हमें, तो अभी मैं यहाँ पर चेक करती हूँ थोड़ा और बड़े में। सो मैं अपना मैट वगैरह चेक करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज हम आ गए हैं वापस गाड़ी में, मैट मेरे को नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था, मतलब बड़ा चाहिए था, वो बहुत छोटे छोटे मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे वो बहुत बड़े मिल रहे थे, इतने बड़े नहीं चाहिए थे। तो देखते हैं जब टेबल वगैरह ले लेंगे, अब मैं सोचू अब तभी देखती हूँ तो कि टेबल के नीचे वो कितना साइज चाहिए। तो इसलिए अब मैंने अपना आइडिया कर दिया है ड्रॉप, और उसके बदले हम ले आए अपने लिए 2 ग्लास एंड अपनी फ्रेगनेंस वाली कैंडल के लिए, फ्रेगनेंस क्या होता है ये भूल गई मैं, हाँ वैक्स, ये लेकर आए। सो अब घर चलते हैं और खाना खाते हैं, बहुत टाइम हो गया है नैरा को घुमाते हुए और हम भी घूम रहे थे, क्योंकि जब आते हैं तो सामान इधर उधर देखने लग जाता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो वॉलमार्ट हम भी हाँ
ये कह सकते हो कि हम टाइम पास कर रहे थे घूमकर, नायरा को भी घुमा रहे थे और नायरा थक भी गई है। किसी भी स्टोर में जाते हैं टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं हम? टाइम पास करते हैं हम किसी भी स्टोर में। अच्छा ऐसा है क्या? इतना मारूंगी ना मैं। कोई टाइम पास नहीं करते है, जब सामान लेना होता लेते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड सोचेंगे अच्छा ये टाइम पास करने जाते हैं। नहीं यार हमने मतलब सर्च कर रहे थे, जो सही जगह से मिल जाता है वो लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है फिर, और जो नहीं मिलता है और महंगा मिलता है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, सामान बेशक से वो अच्छा हो या कुछ भी हो। तो इसलिए हम सर्च करते रहते हैं छोटी छोटी जगहों पे भी जाकर इधर उधर। तो थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ मैं हाउस पहुँच कर। मैं आ गई अपनी चाय बनाने के लिए, इवनिंग का टाइम है और ठंड भी बहुत है, जो कि मैंने जैकेट पहन ली है दोबारा से, बीच में मैंने उतार दी थी। मेरा मौसम ठीक हो गया है, हीटिंग चल रही थी, ठीक भी क्या हुआ। तो बस अभी थोड़ी सी बॉयल होगी, बॉयल के बाद मैं अपना दूध डाल दूंगी इसके अंदर। और नायरा का ऑक्टोपस हो गया फिर से फुस, ये थर्ड ऑक्टोपस है जो नायरा का फुस हो चुका है। तो ये छोटा सा बहुत प्यारा सा स्पीकर है, तो मैं अपने गाने सुनती रहती हूँ। नायरा बोली मेरा ऑक्टोपस फुस हो गया। व्हाट बेबी? यहाँ से फुस हो गया। नायरा ने कुछ नहीं करा, इसका ज्वाइंट में ही प्रॉब्लम होती है, फ्रंट का ज्वाइंट हमेशा। तीसरा जो हुआ है ना, ये फर्स्ट तो नायरा ने फुस किया था, सेकेंड और थर्ड ये आगे से ही अपने आप ही इसका ज्वाइंट पॉइंट हट चुका है। अब हमने चिपकाने की कोशिश करी, वो नहीं चिपका, तो इसलिए नायरा बुरा सा ऐसे ही खेल के, हमने बोला अब तो ऐसे ही खेले, इसको जब पूरा फूस हो जाएगा फेंक देंगे हम। अब हम नहीं मंगा रहे थे लेने, वो चाय वाय पीते हैं और चाय पीने के बाद हम आराम करेंगे, क्योंकि खाना मेरा बन चुका है, ऐसे कोई खाने की टेंशन नहीं है। और बाकी काम मुझे अभी कुछ भी नहीं है, नायरा मेरा कब छेड़ रही है मैं उसे भी देखूं। और बस आज का दिन तो हमारा ऐसे निकल गया, और इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ गुड नाइट। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट, कट, नेहरू बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट।